नमस्कार, बिस्तर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। मौजूदा वक्त में जो चीज एक आम परिवार को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है महंगाई। मसलन खाने पीने और रोजमर्रा में इस्तेमाल की चीजों के दाम हो या पेट्रोल डीजल, सब आसमान पर बने हुए हैं। उस पर सरकार समय समय पर जीएसटी भी बढ़ा देती है, कभी दूध दही पर, कभी पैकेज चावल दाल और आटे पर। मतलब महंगाई का जैसे कोई अंत ही नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा कि अब एक और तैयारी भी चल रही है। तैयारी है आपको बिजली का झटका देने की, मतलब बिजली के बिल के जरिए आपकी जेब को खोखला करने की प्लानिंग हो रही है। दिमाग तो एक बार का आपका भी घूम गया होगा, तो चलिए तफसील से आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार एक नई तरकीब लाने वाली है। सरकार आम ग्राहकों के लिए टाइम ऑफ डे पावर टैरिफ सिस्टम लाने की योजना पर काम कर रही है। आप सोच रहे होंगे भला ये क्या बला है, हम बताते हैं आपको। ओला उबर तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे, वहाँ सर्च प्राइसिंग का चक्कर भी आपने देखा ही होगा। ऑफिस जाने के या वापसी के वक्त पर ये कंपनियां सर्च प्राइसिंग लागू कर देती है। इसमें आपको बिजी आवर्स में कैब लेने पर ज्यादा किराया देना पड़ता है। बस ओला उबर जैसा ही अब बिजली में भी होने जा रहा है, यानी कैब एग्रीगेटर्स की सर्च प्राइसिंग को सरकार ने बिजली पर भी लागू करने का मन बना लिया है। तो टाइम ऑफ डे पावर टैरिफ ऐसे काम करेगा कि दिन के जिस वक्त बिजली की डिमांड ज्यादा होगी उस वक्त लोगों को बिजली के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। जब पावर डिमांड कम होगी और आप कम बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल कम आएगा। अभी डिमांड के हिसाब से बिजली का बिल लेने की व्यवस्था कुछ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स पर लागू है। अब आप सोचेंगे कि आखिर महंगी बिजली की ये मार आप पर कब से पड़ने वाली है। तो बात यूं है कि सरकार के दिमाग में शायद पहले से ही ये प्लानिंग थी, इसलिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना फिलहाल पूरे देश में चल रही है। केंद्र सरकार 2025 तक देश भर में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है। आंकड़े बताते हैं कि 12 अगस्त तक देश भर में 48.2 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। एक बार पूरे देश में स्मार्ट मीटर लग गए तो उसके बाद अलग अलग चरणों में बिजली की डिमांड के हिसाब से बिजली के दाम तय होने शुरू हो जाएंगे। सरकार इस मसले पर केंद्रीय और राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स के साथ राय मशवरा भी कर चुकी है। सरकार की प्लानिंग शुरुआत में इसे साल के 4 महीने में लागू करने की है, अप्रैल, मई और सितंबर अक्टूबर। वजह है कि ये इन महीनों में आमतौर पर बिजली की डिमांड अपने पीक पर पहुंच जाती है। इसी साल अप्रैल, मई, जून में देश के सामने बिजली का बड़ा संकट पैदा हो गया था। डिमांड पीक पर थी और उसे पूरा करना मुश्किल हो रहा था। कई राज्यों में लंबी बिजली कटौती देखने को मिली। इस साल 10 जून को बिजली की डिमांड 211.856 गीगावाट पर पहुंच गई थी। तो अब होगा ये कि अगर आप बिजली की ज्यादा डिमांड वाले घंटों में एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेस खूब चलाते हैं, मतलब ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए ज्यादा पैसे आपको चुकाने होंगे। इसका फायदा गरीब तबके के लोगों को मिल सकता है। जो लोग कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको ये कम बिल देना पड़ेगा। लेकिन भारत में साल के ज्यादातर वक्त मौसम गर्म रहता है और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग ने जिस तेजी से हालात बदले हैं उसमें मोटे तौर पर बिजली की डिमांड ऊंचे लेवल पर ही रहने वाली है, यानी आपका बिजली का इस्तेमाल भी ज्यादा ही होने वाला है। ऐसे में आसार इस बात के ही ज्यादा हैं कि आने वाले वक्त में बिजली की महंगाई आपको हर महीने बिल के रूप में झटका देती रहेगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।